Hello everyone, welcome to Physics Time. Today's topic of discussion is law of equipartition of energy. So today we will derive the law from statistics. According to the law of equipartition of energy, if a system made up of number of particles is in thermal equilibrium, at an absolute temperature capital T, its total kinetic energy is distributed equally amongst its all the degree of freedoms, and the mean kinetic energy per degree of freedom is given by half kT, जहाँ पर k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन. यानी कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है किसी टेम्परेचर टी पर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में. और अगर हम उसका मेन निकालेंगे यानी कि मेन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसकी वैल्यू आएगी हाफ के टी, जहाँ पर के हमारा बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है. अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे यूजिंग स्टेटिस्टिक्स. लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रूफ. प्रूफ में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक डायनामिकल सिस्टम जिसमें एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो. एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे हमने एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है. इसका मतलब हमें एफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी डिफाइन करने के लिए सिस्टम को, यानी कि क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, अप टू लेट इट बी क्यू एफ, और एफ ही मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. पी वन, पी टू, पी थ्री, पी अप टू पी एफ, टू एक्सप्रेस द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. जब हमारे पास एफ पोजिशन और कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और एफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ई विल बी रिटर्न एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री अप टू क्यू एफ, और पी वन, पी टू, पी थ्री अप टू पी एफ. हम एनर्जी के एक्सप्रेशन को एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ई इज इक्वल्स टू ई आई पी आई प्लस ई डैश, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री अप टू क्यू एफ, एंड पी वन, पी टू, पी थ्री अप टू पी एफ. यहाँ पर हमने पी आई टर्म सेपरेट कर लिया और बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेपरेट रखे हैं. और यहाँ पे ई आई पी आई का मतलब है वेयर ई आई इज़ अ फंक्शन ऑफ पी आई अलोन, केवल एक पी आई का फंक्शन है. लेकिन यहाँ पी आई है क्या, ये किस फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं हम. यहाँ पे ई आई इज़ इक्वल्स टू ए पी आई
स्क्वायर, यानी कि इस टर्म से हम ये शो करना चाहते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म अलग कर ली है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म इसलिए अलग क्योंकि हमने डेफिनेशन में काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली, तो हमें ये पता है कि मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज एम वी और काइनेटिक एनर्जी इज़ डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करना है इसलिए हमने मोमेंटम की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। इसको मैं हम एम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इससे एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन एम आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कॉन्स्टेंट में क्या आ सकता है इसलिए हमने वन अपॉन टू एम की जगह ए लिख दिया है और पी स्क्वायर की जगह पी आई स्क्वायर लिख दिया है, यानी कि हमने टोटल एनर्जी में से मोमेंटम की टर्म अलग कर दी है ताकि हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकें और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे अलग कर दिए हैं, तो दो टर्म्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ये और लिख सकती हूँ कि ई डैश जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स जो पहले भी थे एंड एफ माइनस वन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इससे एक हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एफ माइनस वन बच, क्योंकि यहाँ पे एफ माइनस वन वन बच जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे ई डैश वाली टर्म में पी आई टर्म नहीं है, ये पी आई पर डिपेंड नहीं करती है। अब अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ द प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल्स टू बी विद एनर्जी ई एट टेम्परेचर टी इन द रेंज क्यू वन टू क्यू वन प्लस डी क्यू वन, कैसे हम लिख सकते हैं क्यू टू प्लस डी क्यू टू एंड क्यू टू एंड सिमिलरली मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में पी वन टू डी पी वन पी टू टू पी टू टू डी पी टू एटसेट्रा इज गिवेन एज, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल्स टू बी इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ई एट टेम्परेचर टी विल बी गिवेन एज अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ इट इज़ गिवेन एज पी इज इक्वल्स टू ए विच इज़ अ कॉन्स्टेंट ई माइनस ई अपॉन के टी, और क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम पोजिशन के कॉर्डिनेट्स हैं तो उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ ऐसे ही डी पी वन डी पी टू डी पी एफ। इट मीन्स कि मीन वैल्यू ऑफ ई आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा केवल कंसर्न काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म से है क्योंकि हमें वही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ई आई को ही हम लेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन एज ई आई। यहाँ पे ई आई आप इस तरीके से भी लिख सकते हो मीन वैल्यू के लिए या ऊपर बार भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो इट इज़ गिवन एज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बहुत सारी टर्म्स हैं इसलिए डॉट डॉट लगा रही हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ ऐसे ही डी पी वन डी पी टू अप टू डी पी एफ अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद अ लॉट ऑफ डॉट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के टी अगेन डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ डी पी वन डी पी टू डी पी एफ, सारी टर्म्स आएंगी इसमें डी एफ तक।
ऊपर और नीचे दोनों। जब हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल ई लिखा है इसको हम ई प्लस ई डैश के टर्म में लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई आई, और ये टर्म हो जाएगी एक्सपोनेंशियल में माइनस ई आई प्लस ई डैश अपॉन के टी विद ऑल दिस टर्म्स डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ डी पी वन डी पी टू, सारी टर्म्स मेंशन नहीं कर रही हूँ मैं, अपॉन नीचे भी हम एक्सपेंड कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई प्लस ई डैश अपॉन के टी डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ तक, और डी पी वन डी पी टू से लेकर डी पी एफ तक। हम ये लिख सकते हैं कि मीन एनर्जी ई आई इज गिवन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई आई, हमने आई एथ वाली टर्म को अलग कर दिया है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी, और बाकी की सारी टर्म्स को अलग कर दिया है, डी पी वन से लेकर डी पी एफ तक, एक डी पी आई वाली टर्म भी होगी तो उसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से लेकर बहुत सारी टर्म्स विद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई डैश अपॉन के टी, एंड वी नो दैट बहुत सारी टर्म्स थी हमारे पास डी पी वन डी पी टू से लेकर डी पी एफ डी क्यू वन डी क्यू टू से लेकर डी क्यू एफ तक की, अपॉन में अगेन एक्सपोनेंशियल आएगा, उसमें भी दो टर्म्स अलग हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी और विद डी पी आई, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई डैश अपॉन के टी डी पी वन डी पी टू डी पी एफ तक डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ तक। यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दो सेपरेट टर्म्स आ रही थी ई आई प्लस ई डैश, तो आई एथ वाला सारा पार्ट हमने अलग कर दिया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी टर्म्स बची, क्योंकि यहाँ पर डी पी वन डी पी टू से लेकर डी पी एफ तक है, और वैसे ही यहाँ पर डी क्यू वन डी क्यू टू से लेकर डी क्यू एफ तक है, तो हमने सारी टर्म्स के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इनका इंटीग्रल रखा है। वैसे यहाँ पे भी सारे बहुत सारी टर्म्स हैं, इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बहुत सारी टर्म्स यहाँ रखी है जिसे हमने डॉट से डिनोट कर दिया है। अब अगर हम देखें सेकेंड टर्म जो इसमें आ रही है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी टर्म माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक और एक्सपोनेंशियल माइनस ई डैश, एंड सिमिलरली दिस टर्म इसमें भी सेम है, तो ये टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्योंकि सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास बचेगा ई आई कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी डी पी आई, बिकॉज वी आर कंसर्न विद ओनली आई एथ टर्म, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी विद डी पी आई साइन, बट ई आई हियर इज ए पी आई स्क्वायर, जो हमने पहले ही डिफाइन किया था, तो यहाँ हम उसको प्लेस कर देंगे, तो हमारी जो मीन वैल्यू है इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए पी आई स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल में भी आ जाएगा ए पी आई स्क्वायर अपॉन के टी, और डी पी आई ऐसे ही रह गया अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ए पी आई स्क्वायर अपॉन के टी डी पी आई। अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का यूज़ करने वाले हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे ये कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अगर दे रखा हो तो उसका आंसर आता है वन अपॉन टू अल्फा रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा, और उस ठीक उसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा
एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तो उसका आंसर आता है रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा। अगर हम इसी को यूज़ करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आ जाएगा ई आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन करना है तो ए हमारा बाहर आ जाएगा और बाकी एक्स स्क्वायर इज सेम एज पी आई स्क्वायर हियर एंड अल्फा की जगह आ गया ए अपॉन के टी, तो यहाँ पे टू अल्फा की जगह आ जाएगा वन अपॉन टू ए अपॉन के टी और रूट में आ जाएगा पाई अपॉन ए अपॉन के टी। यहाँ पे टू पहले से है फॉर्मूले में, ऐसे ही अपॉन रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा है तो पाई और अल्फा जो हमने कंपैरिजन किया था ए अपॉन के टी आया था तो ए अपॉन के टी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अल्फा इज ए अपॉन के टी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा के टी अपॉन टू। ये आंसर यहाँ पे कैसे आया है, रूट पाई अपॉन ए बाई के टी और रूट पाई अपॉन ए बाई के टी दोनों हैं तो फिर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ए अपॉन के टी है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, के टी ऊपर पहुँच जाएगा, के टी बाई टू आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मीन एनर्जी की वैल्यू हमारी आ रही है के टी बाई टू, तो मीन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू आई एथ मोमेंटा इज हाफ के टी विच इज सेम फॉर ईच पोजिशन एंड ईच मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि जो मीन एनर्जी आती है किसी एक पर्टिकुलर आई एफ मोमेंटा के लिए वो हाफ के टी आती है और ये हर पोजीशन और हर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम होगी, यानी कि हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी गिवन एज के टी बाई टू। आपके पास जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फोर के टी बाई टू करना है, थ्री हो तो थ्री के टी बाई टू करना है। अकॉर्डिंग टू द मोशन विच इज़ पजस्ड बाय एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वेदर मोनोएटॉमिक डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो जैसे भी मॉलिक्यूल्स हों उसके हिसाब से जो भी ट्रांसलेशन मोशन आए या रोटेशनल मोशन आए या वाइब्रेशनल मोशन आए उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे आपको के टी बाई टू मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।